हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। गागरोल में घर में घुसा कोबरा सांप। उपखंड मुख्यालय से महज 6 किलोमीटर दूर गागरोल गांव के रमेश पुत्र मिट्ठू लाल सेन के घर में शुक्रवार दोपहर में एक खतरनाक प्रजाति का कोबरा सांप घुस गया। परिजनों को इसकी खबर लगी तो वे इधर उधर भागने लगे और चिल्लाने लगे। इस दौरान घर में अफरा तफरी मच गई। इस दौरान बड़ी संख्या में मोहल्ले वासी और लोग भी इकट्ठा हो गए और घर के अंदर के सांप को बाहर निकालने का प्रयास करने लगे। सांप को निकालने के लिए लोगों ने टायर जलाया, अगरबत्ती लगाई और तरह तरह के जतन भी किए, लेकिन 4 घंटे बीत जाने के बाद भी आखिरकार नाग देवता बाहर निकले नहीं और कमरे के अंदर ही फुकारते रहे। शुक्रवार को दशहरा होने से परिवार के लोग घर के अंदर नहीं घुस पाए। इस दौरान लोगों को शाम को पता चला कि प्रतापगढ़ के निकट चमलावदा गांव में सुदामा सेन नाम का कोई विशेषज्ञ रहता है। इस पर परिजनों ने उसको कॉल कर मौके पर बुलवाया। इस पर सुदामा सेन अपने सांप पकड़ने के संसाधन लेकर शाम 7 बजे गागरोल गांव पहुंचा। यहां पहुंचते ही सुदामा सेन ने एक प्लास्टिक का पाइप लिया और उसके एक छोर पर कपड़ा ठूंस दिया। फिर सुदामा ने लकड़ी की सहायता से आसानी से रेस्क्यू कर सांप को पाइप के अंदर डाल दिया। सुदामा की कलाकारी देखकर लोग भी आश्चर्यचकित रह गए। इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने इस पर घटनाक्रम का वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। सुदामा सेन ने बताया कि वे सांप पकड़ने में माहिर है और निशुल्क सेवा देते हैं। सेन 20 सालों से पूरे इलाके में सांप पकड़कर जंगल में सुरक्षित छोड़ आते हैं। सुदामा ने बताया कि उसने अपने मोबाइल नंबर लोगों को दे रखे हैं ताकि कहीं भी सांप दिखाई दे तो लोग उसे संपर्क कर मौके पर सांप पकड़ने के लिए बुलाते रहें। इस दौरान बाबूलाल मीनारिया, मिट्ठू लाल जनवा, राजू मीनारिया, यशवंत शर्मा, शिव शंकर गर्ग, कुंदन शर्मा, बादल सहित ग्रामीण मौजूद थे। छोटी सादड़ी से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।